नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ किया सोनेट का जीटी लाइन वेरिएंट, भाई टॉप एंड वेरिएंट है। और ये है 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। इसमें दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे आपको पेट्रोल के, एक मिलेगा नेचुरली एस्पिरेटेड, एक मिलेगा टर्बो। तो ये है भाई 1.0 लीटर का टर्बो इंजन। और इसमें अगर फ्रंट में बात करूँ तो आपको सेम ग्रिल मिलेगी, वही जो किया की सिग्नेचर ग्रिल है। और भाई यहाँ पे आपको रेड इंसर्ट भी मिल जाएगा इसमें, क्योंकि ये है भाई जीटी लाइन। जीटी लाइन में चेंज क्या आएगा, यही चेंज है कि इसमें आपको जगह जगह पे ये रेड इंसर्ट मिल जाएगा एक्सटीरियर में। यहाँ पे जीटी लाइन की आपको बैजिंग भी मिल जाएगी, ग्लोसी ब्लैक इसमें आपको ग्रिल मिल जाएगी। नीचे वाली जो ग्रिल है वो रफ ब्लैक प्लास्टिक की मिलेगी। और यहाँ पे जो स्किट प्लेट दी गई है वो मिल जाएगी सिल्वर कलर की। स्किट प्लेट के ऊपर भी यहाँ पे रेड कलर का इंसर्ट आपको मिल जाएगा। 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं फ्रंट में। यहाँ पे फॉग लैंप दिया गया है, वो प्रोजेक्टर है। और यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक मिलेगा। फॉग लैंप की साइड में आपको क्रोम का यूज मिलेगा। यहाँ पे भी क्रोम मिलेगा जो ये ग्रिल दी गई उसके नीचे वाले पार्ट पे। हेडलैम्प की बात करूँ तो ये पूरा LED सेटअप मिलेगा। ड्यूल फंक्शनल, इसमें आपको DRL मिलेगी। टर्न इंडिकेटर का यूज भी यहीं से करेंगे हम। इसमें टर्न इंडिकेटर भी है और DRL भी है। यहाँ पे हाई बीम लो बीम के लिए LED सेटअप दिया गया है पूरा। ये हो गया इसका फ्रंट। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। यहाँ पे देखते हैं, देखो साइड इसकी, ये है भाई इसकी साइड प्रोफाइल। इसमें साइड में भी वही सेम मिलेगा रेड इंसर्ट जो आपको मिलता है फ्रंट में, बैक में, इंटीरियर में, सब जगह मिलेगा आपको ये रेड इंसर्ट जीटी लाइन में। यहाँ इसकी अगर टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाएगा 215/60/16 का इसमें आपको टायर मिलेगा, यानी कि 16 इंच का इसमें आपको अलॉय व्हील मिलेगा। डायमंड कट अलॉय मिलते हैं। और भाई यहाँ पे ये देखो रेड कलर के इसके ब्रेक कैलिपर हैं जो वो मिल जाएंगे। आगे इसमें आपको डिस्क मिलेगा, पीछे मिल जाएगा इसमें ड्रम ब्रेक। साइड में जो क्लैडिंग दी गई है उस पर भी रेड इंसर्ट मिलेगा। क्रोम के साथ इसके डोर हैंडल मिलेंगे। ब्लैक टेप के साथ मिलेगा बी पिलर। और डोर्स के ऊपर क्रोम का यूज़ किया गया है। बॉडी कलर ORVM मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाएगा। सिल्वर कलर की रूफ रेल दी गई है। नीचे यहाँ पे मिल जाएगा फ्यूल फिलर कैप। इसके टेल लाइट की बात करूँ तो ये भी पूरा LED सेटअप दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंदर इसमें अलग अलग आपको ये इसमें पार्ट मिल जाएंगे। जैसे फ्रंट में DRL का डिज़ाइन है, सेम वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पे मिलेगा इसकी टेल लाइट में। और ये भी LED है, यहाँ पे भी LED ही मिलेगा। ये मिल जाएगा इसमें हेलोजन बल्ब, ये भी हेलोजन बल्ब मिलेगा टर्न इंडिकेटर के लिए। ये बैक गियर के लिए है। सोनेट का यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी। ये है किया का नए वाला लोगो, यहाँ पे मिल जाएगा रिवर्स कैमरा। पीछे भी जीटी लाइन की बैजिंग मिलेगी। और सेम वही रेड इंसर्ट आपको पीछे वाली जो स्किट प्लेट है उस पर भी मिलेगा। जो रियर बम्पर वो ब्लैक कलर का मिलेगा। ऊपर यहाँ पे रफ ब्लैक प्लास्टिक मिल जाएगा। यहाँ पे बीच में ग्लोसी ब्लैक मिलेगा। ग्लोसी ब्लैक कलर की पीछे वाली स्किट प्लेट दी गई है। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको सिल्वर टेक्सचर। यहाँ पे मिल जाएगा वाइपर, डिफोगर, वॉशर और हाई स्टॉप लैंप मिलेगा आपको यहाँ पे। और ऊपर दिया गया है सार्कफिन एंटीना। अब चलते हैं अंदर। कीलेस एंट्री मिलती है इसमें। पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलेगा इसमें, क्योंकि भाई जीटी लाइन है तो इसमें ब्लैक का ज़्यादा यूज़ मिलेगा। और साथ में आपको रेड मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी रेड मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट मिलती है इसमें आपको। सीट है जो इसकी 8-way एडजस्टेबल है। यहाँ से हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्टेबल इसमें आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे। जीटी लाइन की बैजिंग आपको यहाँ पर भी मिलेगी। साइड में यहाँ पर एयर बैग है। और भाई ये है इसका सीट का डिज़ाइन। का डोर दिखा दूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे भी लेदर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको ये हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा। ये थोड़ा सा आपको प्लेन टेक्सचर मिलेगा। ये मिल जाएगा थोड़ा रफ। इसमें अलग सा एक वो है, पास से दिखा दूँ, ये देखो इस टाइप का मिलेगा ये। यहाँ पे भी आपको सिल्वर ये एलिमेंट दिया गया है। सिल्वर कलर का इसका डोर हैंडल मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग टेक्सचर दिया गया है। ये सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, पावर विंडो और जो ORVM है उसके लिए। रेड कलर की स्टिचेज आपको यहाँ जो लेदर यूज़ किया गया है उसके ऊपर भी मिल जाएंगी। और यहाँ से इसके डोर को पकड़ के हम बंद कर सकते हैं। और भाई नीचे 1 लीटर की बोतल के लिए स्पेस है। यहाँ पे बोस का स्पीकर मिल जाएगा। बोस की ब्रांडिंग भी मिलेगी। और यहाँ पे मिल जाएगा ट्विटर। ये हो गया इसका डोर पैनल। अब बात करूँ इसके डैशबोर्ड की तो ऑल ब्लैक मिलेगा ऊपर से। और वही सेम टेक्सचर मिलेगा जो डोर्स के ऊपर दिया गया था। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है डोर्स के ऊपर। और भाई जो इसका डैशबोर्ड है उसके ऊपर कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। नीचे वाला जो टेक्सचर है ये थोड़ा अलग मिलेगा, ये वाला टेक्सचर थोड़ा अलग मिलेगा। 6 इसमें एयरबैग मिलते हैं। एक एयरबैग यहाँ पे मिल जाएगा, एक मिल जाएगा यहाँ पे, बाकी साइड में मिलेंगे। कर्टन एयरबैग भी इसमें आपको 2 मिल जाते हैं। सेंटर वाले पार्ट की बात करूँ तो जो इसके AC के वेंट दिए गए हैं उनमें यहाँ पे साइड में ग्लोसी ब्लैक का यूज़ किया गया है। बीच वाले जो AC के वेंट हैं और जो साइड वाले AC के वेंट हैं उनकी साइड में भी ग्लोसी ब्लैक का यूज़ किया गया है। ग्लोसी ब्लैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो इसका म्यूजिक सिस्टम उसकी साइड में। और ये वाला पार्ट भी ग्लोसी ब्लैक ही मिलेगा। ये इसमें बड़ी सी डिस्प्ले दी गई है, शायद से 10 इंच की होगी। और भाई यहाँ पे इसका ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। यहाँ पे हैजार्ड लाइट का स्विच है, ये इसकी डिस्प्ले है। ये है ब्लोअर की स्पीड एडजस्ट करने के लिए। बाकी इसके और कंट्रोल हैं AC के, जो मोड्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ये टेम्परेचर के लिए है। नीचे यहाँ पे आपको कुछ और इसमें कंट्रोल मिलेंगे। जो को पैसेंजर साइड की सीट है उसके लिए यहाँ पे ये बटन दिया गया है। वेंटिलेटेड सीटें मिलती हैं इसमें आपको। ये है ड्राइवर साइड की सीट के लिए। और भाई
ये है ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, यहाँ से आपके जो मोड्स हैं इसके ड्राइव मोड वो चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है व्यू के लिए बटन, इसको प्रेस करेंगे तो बैक कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा वायरलेस चार्जिंग और भाई ये इसमें यूएसबी पोर्ट भी मिलेगा, एक यूएसबी पोर्ट यहाँ पे मिलेगा, ये चार्जिंग के लिए है, ये यूएसबी पोर्ट है इसका म्यूजिक सिस्टम के लिए। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और ये यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट का यूज़ किया गया है, सेम वैसा ही है यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे भी सेम वही मिलेगा। 7 स्पीड इसमें आपको डीसीटी गियरबॉक्स मिलेगा और ये इसके मोड हैं PR&D, इसमें ये दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर भी मिलेगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं प्लस माइनस करने के लिए, अपने गियर को कम ज़्यादा करने के लिए। अब बात करें यहाँ पे तो 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, मैनुअल इसमें हैंड ब्रेक मिलेगा, स्लाइड नहीं होगा भाई इसका जो आर्म रेस्ट है, लेकिन इसको ओपन कर सकते हैं और स्पेस इसमें ठीक ठाक मिलेगा, कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर भी मिल जाएगा, ये दिया गया है इसमें, हाँ ये पीछे की तरफ दिया गया है, इसमें आपको एयर प्यूरीफायर भी मिलेगा इसके आर्म रेस्ट में। ये सीट दिखा दूँ मैं, जो ड्राइवर साइड की सीट थी वो प्रॉपर नहीं दिखा पाया, देखो इस टाइप का डिज़ाइन मिलेगा, रेड इंसर्ट मिलेगा इसके अंदर भी जो सीट कवर है, छोटे छोटे से आपको छेद दिखाई दे रहे होंगे, ये इसलिए हैं क्योंकि इसमें वेंटिलेटेड सीट मिलती हैं दोनों फ्रंट वाली, रेड स्टिचेज आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। ये मिल जाएगी 6-way एडजस्टेबल, इसमें हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते को पैसेंजर साइड की सीट में, ड्राइवर साइड की सीट है जो उसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल मिलते हैं इसमें आपको हेड रेस्ट। यहाँ पे इस डोर की बात करूँ तो ये भी सेम थीम पे मिलेगा, ऑल ब्लैक यूज़ किया गया है सब जगह, कोई दूसरा इसमें कलर नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिल जाएगा सिल्वर कलर का टेक्सचर, बाकी पूरा आपको ब्लैक मिलेगा, ये लेदर मिल जाएगा। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे बोस का स्पीकर, 1 लीटर की बोतल के लिए स्पेस, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर और यहाँ ऊपर मिल जाएगा ट्विटर। ऊपर इसमें ये आपको ग्रेस कलर मिलेगा यानी कि लाइट कलर मिल जाएगा, नीचे पूरा आपको डार्क कलर मिलेगा यानी कि ब्लैक कलर मिलेगा। तो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसके कैबिन में, ऊपर ये इसलिए दिया गया है लाइट कलर ताकि आपको थोड़ा सा एयरी फील हो, पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा तो ऐसा होगा मतलब अंदर बैठ के घुटन सी होने लग जाएगी भाई, थोड़ा कंजस्टेड सा हो जाएगा क्योंकि ब्लैक कलर में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं फील होता, लाइट कलर होता है उसमें थोड़ा सा खुला खुला सा फील होता है, इसलिए लाइट कलर दिया जाता है कैबिन्स के अंदर। यहाँ पे आपको इसमें ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगा, किया कनेक्ट का यहाँ पे बटन दिया गया है, SOS का बटन मिल जाएगा और ये मिल जाएगा रोड साइड असिस्ट के लिए। और यहाँ पे मिलेगा सनग्लास होल्डर, ये कैबिन लाइट मिलेगी इसमें येलो कलर की, यहाँ पे जो इसका सनरूफ दिया गया है उसके लिए कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा, ये जो कैबिन लाइट है उसके लिए बटन मिलेगा। और यहाँ पे मिलेगा आपको वैनिटी मिरर फोल्डेबल, इसमें आपको ग्रैब हैंडल मिलेंगे, इस साइड कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, इस साइड आपको मिल जाएगा टिकट होल्डर। ये इसके म्यूजिक सिस्टम का इंटरफेस है भाई, यहाँ पे आपको मेन्यू के लिए बटन मिलेगा, जो भी मीडिया यहाँ पे आप प्ले करोगे वो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे टाइम शो करेगा, नीचे कुछ और शॉर्टकट दिए गए हैं, पावर ऑन ऑफ के लिए दिया गया है और भाई ये वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम प्लस के लिए, मैप, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, ये फेवरेट के लिए और ये है सेटअप के लिए। इसमें यहाँ पे उसका मैप है वो दिखाता रहेगा हर टाइम, एयर की क्वालिटी है वो यहाँ पे शो करता रहेगा और यहाँ पे डेट एंड टाइम शो करेगा। मेन्यू में देखते हैं इसमें क्या मिलेगा, एडिट होम एग आइकन, बैक करते हैं इसको, हाँ ये है इसका मेन्यू भाई, इसमें आपको मैप मिलेगा, मीडिया मिलेगा, नेविगेशन, USB वीडियो, फ़ोन, एंड्रॉयड ऑटो, किया कनेक्ट, एप्पल कारप्ले, स्मार्ट प्योर एयर यानी कि एयर प्योरीफायर मिल जाएगा और यहाँ पे साउंड मूड लैंप वॉइस मेमो मिल जाएगा, रेडियो, इस साइड आपको सेटिंग है और मैनुअल है। सेटिंग में देखते हैं क्या मिलेगा, साउंड सेटिंग मिल जाएगा, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, डिवाइस कनेक्शन, व्हीकल नेविगेशन, डिस्प्ले बटन, जर्नल, किया कनेक्ट। जर्नल में देखें तो इसमें आपको वही मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर, ब्लूटूथ वगैरह, डेट, टाइम, कीबोर्ड, सारा कुछ। साउंड में तो भाई साउंड से रिलेटेड मिलेगा यानी कि इसका इक्वलाइजर वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। डिवाइस कनेक्शन में जो ब्लूटूथ या फिर USB के थ्रू आप इसमें डिवाइस कनेक्ट करोगे वो शो करेगा। व्हीकल में देखते हैं व्हीकल में क्या शो करेगा, ये है पार्किंग सेफ्टी के लिए, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, क्लाइमेट है, लाइट है, डोर है, क्लस्टर है, ये इसमें मिल जाएगा पार्किंग सेफ्टी। इसमें देखते हैं क्या मिलेगा आगे, कैमरा से रिलेटेड इसमें आपको ये सेटिंग मिलेगी, पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग ऑटो ऑन, क्लाइमेट में मिलेगा यहाँ पे जैसे इंटरनल एयर सर्कुलेशन और ऑटोमेटिक वेंटिलेशन। लाइट में देखें तो हेडलाइट टाइम आउट का इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, ये इसमें सारे सेटिंग में ऑप्शन मिलेंगे, किया कनेक्ट का भी इसमें फीचर मिल जाता है। ये भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें आपको साइड में मिल जाएगा एनालॉग और यहाँ पे भी एनालॉग मिलेगा, बीच में डिस्प्ले मिलेगी, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा MID में और यहाँ पे डिजिटल स्पीड दिखाएगा, वार्निंग लाइट्स यहाँ नीचे दिखाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा इसका फ्यूल गेज, यहाँ पे टेम्परेचर के लिए, ये मिलेगा RPM के लिए। इसमें बेसिक फंक्शन सारे मिल जाएंगे, TPMS वगैरह और भाई रेंज, माइलेज,
डिस्टेंस 20 वगैरह सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा, बाहर वाला जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे इसके टोटल किलोमीटर, यहाँ पे गियर इंडिकेट करेगा, डिस्टेंस 20 यहाँ पे शो करेगा ऊपर की तरफ। ये इसमें बेसिक फंक्शन सारे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं भाई इसके स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग इसमें डी कट मिलेगा, यहाँ पे जी टी लाइन की आपको बैज मिल जाएगा इसमें। ये दिया गया है यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और एम आई डी के लिए यहाँ पे आपको बटन मिलेंगे, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके लिए, जो इसका म्यूजिक सिस्टम है उसके लिए इस साइड मिल जाएंगे आपको इसमें कंट्रोल्स। यहाँ पे पैडल शिफ्टर मिलेंगे, मैंने जैसे पहले बताया था। यहाँ पे मिल जाएगा वाइपर के लिए नॉब, यहाँ पे मिलेगा इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प के लिए। और भाई अब बात करते हैं यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन दिया गया है, यहाँ पे मिल जाएगा ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए ये दिया गया है, और ये मिलेगा इसका हेडलाइट लेवलर। और भाई अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की। तो ये टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं मिलता। अब चलते हैं भाई पीछे, और पीछे देखते हैं इसमें क्या कुछ फंक्शन दिए गए। हाँ, ग्लव बॉक्स बच गया इसका। ग्लव बॉक्स इसमें कूल्ड नहीं मिलेगा, लेकिन साइज इसका डिसेंट मिल जाएगा। अब पीछे जाके आपको एक बार इसका स्पेस और दिखा दूँ, स्पेस इसमें कितना दिया गया है। यहाँ पे दो ही पैडल मिलेंगे, क्योंकि भाई डीसीटी गियर बॉक्स के साथ मिलती है, यानी कि ऑटोमेटिक मिलती है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे नहीं मिलेगा कोई भी तीसरा पैडल। 7 डीसीटी का यहाँ पे आपको बैज भी मिल जाएगा। आप चलते हैं भाई पीछे वाली सीट पे। ये है भाई इसकी सेकंड रो। अब देखते हैं इसमें अंदर कितना क्या कुछ स्पेस दिया गया है और कितना इसमें फीचर्स मिलते हैं। स्पेस तो भाई इसमें भरपूर मिलता है, वेन्यू हो गई या फिर आपकी सोनेट हो गई, पीछे वाली सीट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती स्पेस की। सीट हाइटेड भी है, काफ़ी नीचे पैर चले जाएंगे, और वैसे भी अंडर थाई स्पोर्ट भी सीट के ऊपर इसमें ठीक ठाक दिया गया है। और भाई यहाँ पे नी स्पेस की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे पॉकेट भी मिल जाएगा सीट्स के पीछे, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे पीछे के लिए एसी वेंट में मिलेगा। ये डिस्प्ले मिल जाएगा जो इसका एयर प्योरीफायर है उसके लिए। यहाँ पे एक आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा फ़ोन रखने के लिए स्पेस। बीच वाला हम्प जो वो काफ़ी ऊंचा है, तो इसलिए तीसरा बंदा बैठने में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। वैसे अंडर थाई स्पोर्ट तो इसमें ठीक ठाक दिया गया है, पर सीट की जो चौड़ाई है, यानी कि गाड़ी की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो थोड़ी सी कम है। उसमें भी आपको तीन बंदे बैठने में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आनी है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे आइसोफिक्स सीट के लिए। इसमें आपको हुक मिल जाएंगे, तीन सीट बेल्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलेगा कप होल्डर के साथ, पीछे वाले जो हेडरेस्ट हैं वो भी एडजस्टेबल मिलेंगे, बीच में कोई हेडरेस्ट इसमें नहीं मिलेगा। पार्सल ट्रे दी गई है पीछे की तरफ, और भाई पीछे यहाँ पे और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको ये सनब्लाइंड मिल जाएंगे कंपनी फिटेड ही, और ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, इसको ऐसे हम यूज़ करेंगे, हाथ के साथ लगा सकते हैं और उतार सकते हैं। अब इसका डोर दिखा दूँ, डोर सेम थीम पे मिलेगा जैसा फ्रंट वाला था, यहाँ पे वही सेम टेक्सचर मिलेगा इसमें सिल्वर कलर का। यहाँ पे लेदर मिल जाएगा रेड स्टिचेज के साथ, ये रफ़ ब्लैक प्लास्टिक मिलेगा, यानी सॉरी ये यहाँ पे ब्लैक मिल जाएगा, पूरा रफ़ में मिलेगा, ग्लोसी ब्लैक नहीं है। और ये मिल जाएगा इसका पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे एक लीटर की बोतल के लिए स्पेस मिल जाएगा, और भाई ये बोस की ब्रांडिंग मिल जाएगी स्पीकर के ऊपर। पीछे ट्विटर नहीं मिलता, इसमें आपको चार स्पीकर मिलेंगे, एक बूफर मिलेगा, और इसमें दो ट्विटर मिलते हैं। और भाई यहाँ पे एक कैबिन लाइट भी मिल जाएगी पीछे वाली रो के लिए। अब चलते हैं इसके बूट में, और बूट दिखाता हूँ आपको इसमें कितना मिलेगा और बूट में क्या कुछ फीचर्स और मिलते हैं। यहाँ पे बूट ओपन करने के लिए मैग्नेटिक बटन दिया गया है, और भाई पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी बूट में। 392 लीटर का इसमें बूट स्पेस दिया गया है, बूट लैंप यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे ये बूफर दिया गया है जो बता रहा था मैं। और भाई ये है इसका स्पेयर व्हील, 195/65/15 का इसमें आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, टूल भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया बूट। अब बात करते हैं इसके इंजन की। यहाँ से इसका इंजन भी ओपन करेंगे, ये दिया गया है। और भाई इसमें जो इंजन मिलता है वो है 1.0 लीटर का, ये 7 डीसीटी गियर बॉक्स के साथ मिलेगा, टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। और ये देखो भाई इसके इंजन का सेटअप, 118 bhp की पावर मिलेगी और लगभग 178 नैनोमीटर का टॉर्क मिल जाएगा इसमें। टर्बो GDI यहाँ पे ब्रांडिंग, तीन सिलेंडर का इंजन मिलता है इसमें, पेट्रोल इंजन। वैसे गाड़ी की पावर वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई टर्बो चार्ज मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा नॉइजी मिलेगा जैसे डीजल इंजन होता है उस टाइप से, क्योंकि भाई तीन सिलेंडर है। इसकी की दिखा दो आपको, यहाँ पे आपको लॉक के लिए बटन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा अनलॉक के लिए, ये होल्ड के लिए, ये मिलेगा बूट के लिए। जो ये होल्ड वाला बटन है ये इसलिए दिया गया है ताकि इसको रिमोट के साथ हम ऑन कर सके, चला नहीं सकते लेकिन ऑन कर सकते हैं। ये इसलिए दिया गया है भाई फीचर, अगर आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं दूर हैं गाड़ी से, गाड़ी धूप में खड़ी है जैसे अब खड़ी है ये, तो इसको ऑन करके इसका एसी ऑन कर सकते हैं हम। ऑन करने के लिए जो इसका लॉक बटन है इसको दो बार ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, और फिर ये होल्ड वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे, 3-4 सेकंड के लिए ऑन करके रखना पड़ेगा और ये गाड़ी ऑन हो जाएगी। ये फीचर सिर्फ इस काम पे आता है और कुछ इसका काम नहीं है। यहाँ पे इसको दोबारा से एक बार प्रेस करेंगे जो होल्ड वाला बटन है, गाड़ी बंद हो जाएगी, ये गाड़ी बंद होगी।
ये इसमें फीचर भाई दिया गया है, ज़्यादातर गाड़ियों में मिलता है लेकिन जब नई नई आई थी ये तब तो भाई ये फीचर भी नया लगता था। ये था ZT Line वेरियंट 7 DCT गेयरबॉक्स के साथ। आप बताओ भाई आपको कैसी लगी, इसके फीचर्स वगैरह आपको कैसे लगे, क्या इसमें आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।